नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संडे कमेंट बॉक्स। इस कमेंट बॉक्स में हम जवाब देंगे आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स में से छांटे गए कुछ कमेंट्स के, ऐसे कमेंट्स जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं, उन कमेंट्स के यहाँ हम जवाब देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट किया है ज्योति चड्ढा ने और उन्होंने पूछा है कि क्या नेट करने के बाद किसी स्कूल में जॉब कर सकते हैं। तो यदि आपने नेट किया है और नेट के साथ साथ जिस विषय में आपने नेट किया है उस विषय का आपका पीजी पूरा हो गया है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब कर सकते हैं। यहाँ आपका यदि यूनिवर्सिटी में अप्रूवल हो जाता है तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी भविष्य में मिलेंगी। इसके अलावा जब आयोग के माध्यम से या राजकीय डिग्री कॉलेजों में भर्तियाँ निकलती हैं तो भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है ललन कुमार ने और उन्होंने पूछा है सर एमएड में पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। तो यदि आप एमएड एंट्रेंस दे रहे हैं तो यहाँ कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं। आप जो यहाँ उत्तर देते हैं और जो अन्य तरीके हैं उनके माध्यम से कुल जो मेरिट बनती है उसमें यदि आप ऊपर आते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पास और फेल का कोई क्राइटेरिया मोस्टली नहीं होता है। अगला कमेंट किया है पुनीत शुक्ला ने और इन्होंने पूछा है कि सर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का एमएड एंट्रेंस का सिलेबस बता दीजिए। तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो है उसकी वेबसाइट पर एमएड एंट्रेंस का कोई सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है। तो आप क्या कीजिए, इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक यहाँ आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर दे दूँगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। जितने भी आपके बीएड के कंपलसरी पेपर हैं आप उन सभी की तैयारी कर लीजिए। उसके अलावा कुछ रीजनिंग और जीके की तैयारी कर लीजिए, साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी विषय की भी तैयारी आप यहाँ कर लीजिए। मोस्टली यूनिवर्सिटी में यही पैटर्न चल रहा है। रितु चौधरी ने क्वेश्चन पूछा है सर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले बीबीए किया था और उसके बाद मैंने बीएड किया, बीएड करने के बाद मैं एमकॉम करने लगा और उसके बाद मैंने एमएड किया है, एमएड के बाद मैंने यूपी टेट और सीटेट भी किया है। इसके साथ साथ मैंने तीन विषयों में नेट किया है, एजुकेशन, मैनेजमेंट और कॉमर्स। अगला कमेंट किया है लोकेंद्र कुमार ने और इन्होंने पूछा है कि क्या आपसे टीजीटी इंटरव्यू में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कमेंट जो इन्होंने किया है, मैंने एक वीडियो बनाई थी टीजीटी इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए सवाल, तो उस वीडियो के ऊपर इन्होंने ये कमेंट किया है। तो मैंने जो टीजीटी का इंटरव्यू 2011 वाला दिया था उसमें मुझसे कोई जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया और यूपी में जो टीजीटी और पीजीटी का इंटरव्यू होता है उसमें मोस्टली जीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी कभार एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला कमेंट किया है संगीता सिंह ने और इन्होंने पूछा है कि सर क्या पीएचडी डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से इग्नू के माध्यम से पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको डिस्टेंस के माध्यम से पीएचडी कराती हैं। अगला कमेंट किया है रुचि मिश्रा ने और इन्होंने पूछा है मेरा बीएससी लास्ट ईयर में बॉटनी और केमिस्ट्री था, टीजीटी में मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो यदि आप टीजीटी विज्ञान से करते हैं और विज्ञान वर्ग के लिए आप अप्लाई करते हैं केवल विज्ञान विषय के लिए, तो आपके पास जो बीएससी है बीएससी में आपके पास भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ साथ बीएड अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप जीव विज्ञान के लिए आवेदन करते हैं तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आपके साथ बीएससी में होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका बीएड भी अनिवार्य होना चाहिए। अगला कमेंट किया है विजय कुमार और संध्या मिश्रा ने और इन्होंने पूछा है कि क्या टीजीटी इंटरव्यू में पैसा चलता है। तो इस तरीके के आरोप बहुत पहले लगते आए हैं और इन आरोपों से बचने के लिए आयोग ने अब एक फैसला किया है कि जब वहाँ कोई इंटरव्यू में जाता है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जब वो अगले कमरे में पहुँचता है तो उसको एक पर्ची दी जाती है जिसको वो खोलकर नहीं देख सकता। उस पर्ची पे एक सीक्रेट कोड होता है और सीक्रेट कोड के माध्यम से उस व्यक्ति की पहचान छिपा दी जाती है। जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो अंदर उसको इंटरव्यूअर जो होते हैं उसको वो पर्ची देनी होती है और इंटरव्यूअर को पता नहीं होता कि ये जो व्यक्ति इंटरव्यू देने आया है इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आया है। तो इसलिए अब इंटरव्यू में बहुत पारदर्शिता हो गई है। मैंने भी टीजीटी 2011 का इंटरव्यू दिया था और एक रुपए की भी मैंने यहाँ कोई रिश्वत नहीं दी है, मेरा यहाँ सिलेक्शन हो चुका है और 50 में से 39.5 नंबर मेरे इंटरव्यू में आए हैं और मेरे कई और साथी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कोई पैसा रिश्वत के लिए नहीं दिया है, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए ये ना सोचें कि टीजीटी इंटरव्यू में पैसा जाता है, ईमानदारी के साथ
तैयारी करें। आपने भी यदि ईमानदारी के साथ इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, तो आपका भी डेफिनेटली चयन होगा। ये था आज का संडे कमेंट बॉक्स। और यदि आपको भी एजुकेशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि इस तरीके की अच्छी अच्छी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।